हाय गाइज, आज के लेक्चर में हम करियर इन कॉमर्स आफ्टर 12th इस बारे में जानकारी लेने वाले। तो सबसे पहले हम जानकारी इस तरीके से लेने वाले कि करियर इन कॉमर्स हमें पता ही है, बीए, बीकॉम और उसके बाद में बीएससी। तो बीकॉम का 12th कॉमर्स का लड़का बीकॉम कर सकता है या बीए कर सकता है, लेकिन बीएससी में नहीं जा सकता। ओके, तो इसके साथ में हम देखने वाले करियर ऑप्शंस आपके सामने क्या है 12th कॉमर्स के बाद में, और उसके साथ आपको सैलरी कितनी मिल सकती है उस करियर अगर आप करते हो तो। ओके, तो बाकी के पूरे ऑप्शंस हम बाद में देखने वाले हैं, पहले तो हमें जानकारी लेनी है कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हमारा आता है करियर स्टार्टिंग, सैलरी और करियर, ये दोनों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, आपको तो नॉर्मली पता ही है कि 12th कॉमर्स के बाद आप बीकॉम को जा जाते हो। ओके, बीकॉम भी कर सकते हो, बीकॉम या तो LLB नहीं तो BBA, ये तीनों कोर्स को आप वेटेज देते हो। तो ओपन से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप रेगुलर कॉलेज करके भी आप इस करियर को कंप्लीट कर सकते हैं। बीकॉम के साथ, बीबीए के साथ आप दूसरे कोर्सेस कौन से कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी है इसमें, अकाउंटेंट। टैली अगर आप करते हो, अकाउंटेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, तो आप अकाउंटेंट कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है आपको 1.3 लाख से 5.8 लाख तक आपको इसमें सैलरी मिल सकती है। ये हम सैलरी पर एनम की देख रहे हैं। ओके, उसके बाद में है फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एडवाइज़र। फाइनेंशियल एनालिस्ट भी कर सकते हैं या एडवाइज भी कर सकते हैं आप इसमें। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सॉरी, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एडवाइज़र के लिए स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख से 10 लाख तक आपको मिल सकती है। देखिए, ये बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, स्टार्टिंग में कंपनी इन रेंज के बीच में सैलरी आपको दे देगी। ओके, ये पक्का नहीं कि आपको 10 लाख तक ही मिलेगी, कुछ बंदे 15 लाख तक जाते हैं, कुछ बंदे 20 लाख तक जाते हैं। जिसकी उसकी जैसी क्वालिटी है, उस क्वालिटी के हिसाब से उसको सैलरी बाद में मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग से सैलरी कितने तक मिल सकते हैं, कितने से लेके कितने तक आपको मिल सकते हैं, इस बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट का भी कोर्स आपके सामने है, 3 लाख से 10 लाख तक इसको सैलरी आपको मिल सकती है। और जो आपके 3 कोर्सेस है बीकॉम करने के साथ साथ आप करते हो, जो कि आप सबको पता ही है, CA, CS और CMA, ये तीनों कोर्स भी इस करियर ऑप्शन में आ जाता है, जो कि आप बीकॉम के साथ कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंट के लिए स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख से 20 लाख तक मिल सकती है आपको, मतलब 20 लाख तक प्रमोट हो सकती है आपको, नहीं तो आप आपका खुद का ऑफिस चालू करके उसमें भी आप प्रमोट कर सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी सेम कंडीशन है, 4 लाख से 20 लाख तक ही इसकी सैलरी मिलने वाली है, लेकिन ये कोर्सेस कंप्लीट हो जाने के बाद। उसके बाद में CMA, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट आता था पहले, अभी कॉस्ट अकाउंटेंट आ रहा है सिर्फ उसमें। ओके, तो उसको भी 4 लाख से 20 लाख तक का ऑप्शन सैलरी का आपको मिल जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेस, ये भी एक करियर ऑप्शन है। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब HR भी आप बन सकते हैं, HR को सैलरी मिलेगी 3 लाख से 10 लाख तक। टैक्स ऑडिटर एंड कंसल्टेंट भी आप बन सकते हैं, बीकॉम करके GDCA का कोर्स करके आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऑडिटर्स बन सकते हैं। 2,30,000 से लेके 10 लाख तक आपको इसको सैलरी या आपका उसमें जो कुछ है वो पार्ट मिल जाएगा आपको। इवेंट मैनेजर भी बन सकते हैं आप, इवेंट मैनेजमेंट नहीं बोल रहा, इवेंट मैनेजर कह रहा हूँ मैं, इवेंट मैनेजर आप बन सकते हैं, 2 लाख से 8 लाख तक आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारे बीकॉम के बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स में ऑफर है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब में भी आपको ऑफर है। गवर्नमेंट जॉब आपको 3 लाख से 5 लाख स्टार्टिंग सैलरी देना चालू कर देता है। एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं आप, एंटरप्रेन्योर में स्टार्टिंग में 2 लाख से 10 लाख तक की आपकी कमाई हो सकती है। उसके बाद में बहुत सारे जॉब्स है बैंकिंग में, लेकिन बीकॉम के बच्चों को ज़्यादातर मालूम नहीं होता, ज़्यादातर बीए के बच्चे इसमें एंटर कर जाते हैं और बीकॉम के बच्चों की जॉब्स यहाँ पे बीए के बच्चे खा जाते हैं। तो बीकॉम के बच्चों को मालूम नहीं होने की वजह से, क्योंकि जनरल अवेयरनेस वगैरह इस तरीके के सब्जेक्ट्स होने की वजह से, रीजनिंग इस तरीके के सब्जेक्ट उसमें होने की वजह से आपको ज़्यादातर उसमें मालूम नहीं होते, कि आपको लगता है कि जो भी अकाउंटिंग रिलेटेड नॉलेज है वही आपके पास है और उसके ऊपर ही जॉब चाहिए। नहीं, उससे रिलेटेड भी आपको जॉब्स अवेलेबल है। बैंकिंग में बहुत सारी जॉब्स है, जैसे कि क्लर्क की, कैशियर की वगैरह, बहुत सारी IBPS PO की, आपको अलग अलग डिफरेंट तरीके के जॉब्स इसमें है। ओके, आखिरी में आपका मतलब इसमें बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स भी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स की भी जॉब आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, इन सारे पार्ट को हम डिटेल में अगर देखना चाहेंगे तो आपको हमारा जो अगले संडे को आने वाला सेमिनार है, मतलब इस संडे में हम सेमिनार रख रहे हैं, उस सेमिनार को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे बैंकिंग पे PO आने वाले, CA आने वाले, CS आने वाले, आपको गाइड करने के लिए। अगर आपको ख्वाहिश है कि आपको ये सेमिनार जरूर चाहिए, देखना चाहिए या यहाँ पे आके सुनना चाहिए, हम इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी करने वाले, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए अगले संडे तक आपके दोस्तों के साथ
साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब फ्री में है। ओके, धन्यवाद।